गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू मैथ्स इन क्लास 12। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी मैथ्स की बुक को यानी कि कबू से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी कि लॉन्ग क्या होता है और शॉर्ट क्या होता है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हैवी एंड लाइट, यानी कि भारी चीज और हल्की चीजों के बारे में हमने कंपेयर किया था, डिफरेंस किया था। हमें फर्क बताना था कि भारी क्या है और हल्का क्या है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नियर एंड फार। आज का जो कॉन्सेप्ट है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट, उसका नाम है नियर एंड फार, यानी कि पास। नियर का मीनिंग होता है पास और फार का मीनिंग होता है दूर। तो मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ कि व्हाट इज नियर। नियर का मीनिंग जो होता है वो होता है पास। नियर का मीनिंग होता है पास और फार का मीनिंग होता है दूर, यानी जो चीज दूर है हमसे उसको हम पार बोलते हैं, और जो चीज हमारे पास है यानी तो हम उसे नियर बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम नियर कहेंगे, फार कहेंगे, और हिंदी में पास और दूर कहेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पास और दूर, यानी कि नियर एंड फार। अब इस काम को करने से पहले जो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नेम है। जैसे आपका नाम अगर सुरभि है तो हम यहाँ सुरभि लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपका नाम है वो आप लिख देना, जैसे सुरभि है। सब्जेक्ट हमारा हो गया मैथ्स, उसके बाद क्लास हो गई हमारी ट्रैप, सेक्शन हमारा ए, और रोल नंबर जो है अभी आपको रोल नंबर के लिए जो जगह है वो खाली छोड़ देनी है। अब उसके बाद आज पढ़ेंगे नियर एंड फार। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है सर्किल द ऑब्जेक्ट विच इज नियर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको टू ट्रीज दिख रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला ट्री और एक ये छोटा वाला ट्री। ट्री तो सेम ही है, पर आम तो क्या होता है, जो चीज दूर होती है वो हमें छोटी दिखती है और जो चीज पास होती है वो हमें बड़ी दिखती है। यानी नियर वाली थिंग जो होती है वो हमें बिग दिखेगी, और जो दूर वाली होगी यानी फार वाली जो थिंग्स होगी वो हमें स्मॉल दिखेगी। तो अगर होता ऐसा है कि दोनों चीजें बराबर भी हैं, पर अगर दूर है तो उसकी जो हाइट है यानी हमें वो छोटी दिखेगी। जैसे कि ये देखिए दोनों ट्रीज, ये दोनों एक ही हाइट के हैं, यानी इन दोनों की ऊंचाई जो है एक ही है। बस ये वाला जो फ्लावर, ये वाला जो ट्री है ये फार है यानी कि दूर है, इसलिए हमें ये छोटा दिख रहा है। जबकि ये वाला जो ट्री है ये हमारे पास है, इसलिए हमें ये बड़ा दिख रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सर्किल द ऑब्जेक्ट विच इज नियर, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास नियर है, यानी जो पेड़ हमारे पास है वो हमें सर्किल करना है। तो हम किस तरह से सर्किल करेंगे, तो देखिए ये देखिए बच्चों, हमें इस पर जो है सर्किल करना है इस तरह से। क्वेश्चन था कि हमें जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है यानी हमारे नियर है उस पर हमें सर्किल करना था, तो हमने जो है इस ट्री पर सर्किल कर दिया। अब अगला है सर्किल द पिक्चर विच इज फार। अब क्या करना है हमें, उस पिक्चर पर या दो डक्स ले रखे, यानी टू डक्स है, इन दोनों डक्स की हाइट सेम है, वेट भी सेम होगा, पर हमें क्या करना है, जो दूर है यानी कि जो बतख हमसे दूर है उस पर हमें सर्किल करना है यानी गोला करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली डक पर जो है गोला कर देंगे। वैसे देखो यहाँ पे सन का फोटो, सन दिख रहा है आपको, सूरज, तो क्या करेंगे इस वाली पर हम, इस वाली डक पर हम सर्किल कर देंगे। यानी सर्किल द पिक्चर विच इज फार, उस पिक्चर पर हमें सर्किल करना था जो हमसे दूर है यानी जो हमें दूर दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो डक है वो हमें दूर दिखाई दे रही है, इसलिए हमने जो है इस वाली डक पे सर्किल किया है। तो ये होता है नियर एंड फार। नियर का मतलब होता है पास और फार का मतलब होता है दूर। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ, उन एग्जाम्पल से हम समझेंगे और कि नियर और फार क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ब्राइट वेदर द बॉय इज फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और नियर। तो हमें लिखना है कि यहाँ पर एक लड़का है, किन किन ऑब्जेक्ट्स के वो नियर है और किन किन ऑब्जेक्ट्स के वो फार है, तो हमें ये लिखना है। अब देखिए फर्स्ट वाली फोटो जिसमें ये लड़का है अपने घर से दूर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार। अब सेकेंड वाली पिक्चर में ये बॉय है अपने डॉग के पास खड़ा है, तो हम लिखेंगे नियर।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे नियत। उसके बाद अगला, ये जो बॉय है अपनी कार से जो है क्या कर रहा है, दूर खड़ा है यानी फार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार। उसके बाद ये लड़का एक कैमल के पास खड़ा है यानी ऊंट के पास खड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नियर। उसके बाद अगला नेक्स्ट है, और ये जो बॉय है वो काउ के फार है यानी काउ से जो है दूर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को कि नियर क्या है और फेयर क्या है, यानी कि जो चीज हमारे पास है हम उसको नियर बोलते हैं और जो चीज हमसे दूर है वो उसे हम फार बोलते हैं। तो आप समझ गए नियर का मतलब होता है पास और फार का मतलब होता है दूर। तो इस तरह से हमें जो है इस प्री नंबर कॉन्सेप्ट नियर एंड फार को पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने जो है अपनी बुक में से नियर एंड फार का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हमें टू ट्रीज दे रखे थे। एक ट्री को हमें बताना था कि जो ट्री हमारे नियर है हमारे पास उसको हमें सर्किल करना था, तो हमने इस तरह से सर्किल किया। उसके बाद सेकंड था सर्किल पिक्चर विच इज फार, यानी जो चित्र में यानी ड्राइंग में जो पिक्चर में जो बत्तख दूर है, जो डक दूर है उस पर हमें सर्किल करना था, तो हमने इस वाली डक पर सर्किल किया। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए थे, जैसे कि ये लड़के वाला के हमें लिखना था कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपके बुक में ये पेज नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए जो है इस एग्जाम्पल को दिखाया। तो ये जो लड़का है वो अपने घर से दूर है तो हमने फार लिखा। उसके बाद ये लड़का अपने डॉग के पास है तो हमने नियर लिखा। उसके बाद ये जो लड़का है वो अपनी कार से दूर है तो हमने फार लिखा। फिर ये जो लड़का है कैमल के पास खड़ा है तो हमने नियर लिखा। और ये जो बॉय है वो काउ से यानी गाय से दूर है इसलिए हमने फार लिखा। इस तरह से हमने आज नियर एंड फार का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगली क्लास में जो है मैं आपको नियर एंड फार का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का वर्क हमें अपनी नोटबुक में किस तरह करना है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए काम लेकर आऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से नियर एंड फार का कॉन्सेप्ट कॉपी में करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम बाकी के चैप्टर के बारे में जो अगला कॉन्सेप्ट होगा यानी नियर एंड फार का कॉपी में वर्क कैसे होना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।